हेलो फ्रेंड्स, आज मैं तुलसी के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करूंगी। तुलसी का पौधा कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए और इसकी प्रॉपर केयर कैसे करनी चाहिए। देखिए मेरे तुलसी के प्लांट्स का कलेक्शन, मैंने रामा और श्यामा दोनों तुलसी लगा रखी है। रामा तुलसी की पत्तियां हरी होती हैं, डंडियां भी इसकी आपको हरी ही दिखेंगी और श्यामा तुलसी की पत्तियाँ हल्की बैंगनी कलर की और इसकी डंडियाँ भी हल्की ब्लैकिश टाइप की होती हैं। इसको लगाने का सही समय मानसून में होता है। इसको आप बीज से भी और कटिंग से भी लगा सकते हैं। मेरे तो ये बहुत पुराने पेड़ हैं, मैं इसकी प्रॉपर केयर करती हूँ और इनको अगर आप सेमी सेड एरिया में रखेंगे तो ये बहुत अच्छा रिस्पांस देती हैं और बहुत जाड़े में तो ये बिल्कुल डोरमेंसी में चली जाती हैं, उनका बचना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैंने इनको सेमी सेड एरिया में रख रखा है। बहुत जाड़ा और बहुत गर्मी में बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, इसलिए मैंने इनको ऐसी जगह रखा है जहाँ मॉर्निंग में 6-7 घंटे की इनको धूप मिल जाती है। और खाद में मैं इनको गोबर की खाद ही देती हूँ और कोई खाद नहीं देती हूँ और प्रॉपर इनकी गुड़ाई करती रहती हूँ। इसकी मिट्टी हल्की भुरभुरी रहती है और इसकी मंजरी को मैं बराबर तोड़ती रहती हूँ। मंजरी अगर आप तोड़ के इकट्ठा कर लीजिए और उसको सुखा लीजिए, उसके बाद उसमें काले मिर्च, दालचीनी और छोटी इलायची मिला के उसका पाउडर बना के आप उसको सवेरे चाय अगर पीते हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं। अगर आप काढ़ा पीने के शौकीन हैं तो आप काढ़े में भी डाल सकते हैं। और अगर आपका बुखार उतर नहीं रहा है तो आप तुलसी की 10-15 पत्तियाँ लेकर के उसको एक गिलास पानी में उबालिए और जब पानी आधा रह जाए तो उसको आप दिन में 3 बार सिप सिप करके पीजिए गरम गरम, इससे आपका बुखार उतर जाएगा। तुलसी तो औषधि गुणों से भरपूर है, तुलसी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और इस प्लांट को आप जरूर अपने घर में जगह दीजिए, आप कहीं भी किसी भी जगह लगा सकते हैं, छोटे गमले में, बड़े गमले में। और इसको ज़्यादा घना करने के लिए उस पर से पिंचिंग इसकी आप जरूर करते रहिए, ऊपर से हल्के टिप्स अगर आप तोड़ते रहेंगे तो ये बहुत घनी हो जाती हैं। और बस फ्रेंड्स, इतना ही तुलसी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा अपना। बाय।